स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज, मैं हूं पल्लवी। चलिए बढ़ते हैं देश और दुनिया की ताजा खबरों की ओर। मंगलवार को इछावर वन परिक्षेत्र अधिकारी राजकुमार शिवहरे को मुखबिर से सूचना मिली थी कि वन माफिया अवैध लकड़ियों का परिवहन करने वाले हैं। सूचना मिलते ही इछावर वन परिक्षेत्र अधिकारी राजकुमार शिवहरे ने वन विभाग के कर्मचारियों की टीम बनाकर इछावर नगर की कृषि उपज मंडी के आसपास कर्मचारियों को तैनात कर दिया। बताया जाता है कि सुबह करीब 8 बजे के लगभग एक पिकअप वाहन ब्रजेश नगर की ओर से छावर की ओर आता दिखाई दिया। वन अमले ने जब वन माफियाओं के वाहन को रोकने का प्रयास किया तो वाहन चालक वाहन को खेरी की ओर तेजी गति से दौड़ा दिया। वन अमले की टीम ने भी वन माफियाओं के वाहन का पीछा किया तो बताया जाता है कि वाहन चालक ने इस दौरान वाहन को लापरवाही से चलाते हुए बाइक को टक्कर मारी, जिससे दो बाइक पर सवार राधेश्याम वर्मा निवासी निपनिया और पप्पू खान निवासी ग्राम खैरी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नगर के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका उपचार किया जा रहा था। वाहन चालक वाहन से कूदकर खेतों में भाग गया। वाहन और सागौन की लकड़ियों को वन विभाग ने जब्त कर लिया है। एक और जहां ब्रजेश नगर क्षेत्रों में जंगलों का तेजी से सफाया हो रहा है, जंगल खेत बन रहे हैं और जंगली जानवर नगर की ओर आ रहे हैं। पिछले दिनों इछावर के करीब खैरी मार्ग पर एक तेंदुआ मोटरसाइकिल अपने गांव खैरी जा रहे थे तो दो युवकों को मंगलम वेयर हाउस पास दिखाई दिया था। क्या नाम है आपका? पप्पू भाई। ये कल एक्सीडेंट जो हुआ जी, इसमें क्या मामला था? अरे वो गाड़ी इतनी तेज भगा के लाया था ना, और हमें भी फेंक दिया और वो राधेश्याम को फेंक दिया बेचारे। अच्छा, मतलब हम गिर गए साइड से और भगा चला गया। हम इसके पीछे लगे, फिर उसकी गाड़ी के पास आए तो वो भग गया इधर खेत में। सर क्या नाम है आपका? राधेश्याम खाती। सर कर ये वन माफिया लकड़ी चुरा के ले जा रहे थे आप, उसमें बाल बाल बच गए, क्या कारण था, क्या था वजह? सब बाल बाल बचे नहीं, वो तो उससे टकरा गया, ये चोट आई आँख के पास भी और ये खवा फ्रैक्चर है। अच्छा, तो आपने इस संबंध वन विभाग को और उनसे कहीं? ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ। खुद पीछे ही थे सर वन विभाग वाले, तो गाड़ी के पिकअप के सामने पीछे आ रहे थे। मतलब आपके हाथ में, पैर में और कंधे पे चोट आई है? हाँ सर जी। ऐसे ही देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए केकेआर न्यूज़ के साथ।